नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस इशू को। यहाँ पर ये आर्टिकल यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वार के बारे में है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस के बारे में, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित, इसको भी हम डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे यहाँ पे हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, सेंटर में जो भी नई सरकार बनती है उस सरकार को कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे ताकि बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस को अगर हम समझें, देखो 2007-2008 में कमर्शियल बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना था, 566 बिलियन रुपीज। ये था 2.26% ऑफ ग्रोस एडवांसेस। लेकिन 10 साल बाद यानी मार्च 2018 में कमर्शियल बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़कर हो गया 10.3 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 11.2% ऑफ एडवांसेस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सिंपल मतलब देखो ये है, बैंकों की वो एसेट्स जो अभी फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रही हैं। आप मुझे बताइए बैंकों की एसेट्स होती क्या है। बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है विभिन्न कंपनीज को, कॉरपोरेट ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को, वो होती है बैंकों की एसेट, क्योंकि इसी से बैंकों की कमाई होती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, वो कंपनी इंटरेस्ट तो छोड़िए प्रिंसिपल भी वापस नहीं दे पा रही है बैंक को, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक की जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है। टेक्निकल डेफिनेशन में टाइम पीरियड भी है, लेकिन हमने सिर्फ एसेंस समझा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नुकसान क्या होता है बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। मान लीजिए किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं, अब 1 लाख रुपए में से 10,000 तो देखो ब्लॉक हो चुके हैं, मतलब लोन दिया था, अब वो लोन किसी काम का नहीं है, जिसको लोन दिया था वो ना तो इंटरेस्ट वापस दे रहा है ना प्रिंसिपल दे रहा है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, बैंकों के पास अब कम पैसा है दूसरे लोगों को लोन देने के लिए। बैंक के पास कम पैसा बचा है तो वो कम लोन देंगे, कम लोन देंगे तो मार्केट में बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं होगा, नए बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी नई सरकार बनती है वो बैंकों में क्राइसिस को एड्रेस करे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट किया जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये उठ जाता है कि आखिरकार क्या हुआ कि 2008 से लेके 2018 के बीच बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। इसका रीज़न देखो ये है, 2008 से पहले 2004 से 2008 के बीच हमारी इकोनॉमी में बूम था। बूम मतलब देश की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, नए नए बिजनेस इस्टाब्लिश हो रहे थे और पुराने बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहे थे। तो बैंकों ने अंधाधुंध लोन देना स्टार्ट कर दिया। बैंकों को लगा कि इकोनॉमी तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रही है, अगर लोन दिया जाएगा तो जिनको लोन दिया जा रहा है उनका बिजनेस चल पड़ेगा और वो हमें लोन वापस दे देंगे आसानी से। तो 5 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा लोन दिया बैंकों ने। कौन कौन से सेक्टर्स में, टेलीकॉम सेक्टर में, पावर सेक्टर में, रोड सेक्टर में, एविएशन, स्टील, इन 5 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लोन दिया गया बैंकों के द्वारा 2008 से पहले। लेकिन 2008 में तो गड़बड़ हो गई, 2008 में आ गए फाइनेंशियल क्राइसिस, तो जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी वो इकोनॉमी तो ठप हो गई। इवन देखो ज़्यादातर जो ये लोन था ना, जैसा हमने डिस्कस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया गया था, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स को दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा। किसी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट की क्लियरेंस नहीं मिल पाई, किसी प्रोजेक्ट को लैंड नहीं मिल पाया, लैंड एक्विजिशन का जो केस था वो कोर्ट में चला गया, और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स तो गवर्नमेंट से दूसरी तरह की क्लियरेंस नहीं मिल पाई। तो इन इश्यूज के कारण कई जो प्रोजेक्ट थे वो स्टाल हो गए, यानी बीच में ही रुक गए। अब बैंकों ने तो पैसा दे दिया, प्रोजेक्ट बीच में ही रुका हुआ है, तो बैंकों का तो पैसा फंस गया ना। और इसके अलावा क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए सरकार ने पॉलिसी रेट्स को टाइट कर दिया, इससे जो हमारा रुपी था, रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हो गई, रुपी कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले में।
अब देखो काफी कंपनीज ने हमारे देश के बैंकों से भी पैसा लिया था, विदेशों से भी पैसा लिया था, लेकिन चूंकि रुपए की वैल्यू कमजोर हो गई, विदेशों से जो लोन लिया था वो लोन चुकाने में तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लॉजिक देखो सिंपल है। मान लीजिए इंडिया की किसी कंपनी ने यूएसए के बैंक से लोन लिया $2 का, और पहले रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कितने थी, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लोन चुकाने की बारी आई, $1 के मुकाबले में रुपए की वैल्यू हो गई 70, तो $2 लोन को रीपे करने के लिए अब पैसा देना पड़ेगा कितना, 140, क्योंकि 70 वैल्यू हो चुकी है, जब लिया था कितना तब थी 60, तो 120 के बजाय 140 रुपए देना पड़ेगा इंटरेस्ट अलग से, समझ गए। तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज और इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप्स ने बैंकों से जो लोन लिया था वो नहीं चुका पाए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और 2014-15 का जो साल है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2014-15 में सरकार को यह लगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना वास्तव में काफी ज्यादा है, लेकिन इसे रिकॉग्नाइज कम किया गया है। कहने का मतलब यह है कि बैंक इस चीज को एक्नोलेज ही नहीं कर रहे थे कि उनकी एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है। अब देखो कोई डिजीज हो गया, डिजीज को आप छुपा रहे हो, लाई नहीं रहे हो पब्लिक के सामने, उनको लगता है कि ये डिजीज हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक्नोलेज ही नहीं कर रहे हैं कि ये डिजीज हमें हो चुका है। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन सरकार ने कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप एसेट्स की क्वालिटी को रिव्यू कीजिए ताकि सही मायने में पता लग सके कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कितना, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है तो इससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होगी ना। तो 2014-15 में एसेट की क्वालिटी रिव्यू हुआ और उसमें सामने आया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो काफी ज्यादा है। तो ये हमने स्टोरी डिस्कस की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन की। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की ये जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बैंकों की जो ओनरशिप है वो चेंज कर दी जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल SBI, PNB, इन बैंकों में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, इनकॉम्पिटेंसी है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने घर भरते हैं और सोच समझ के लोन संबंधित फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो इसी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब ज़्यादा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन देखो आर्टिकल में कहा जाता है कि SBI जो कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इस बैंक का 2018 में ग्रोस NPA था 10.9%। आप इसको कंपेयर कीजिए ICICI बैंक से, ICICI बैंक तो प्राइवेट बैंक है और सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, पहले नंबर पर शायद HDFC है। तो ICICI बैंक का 2018 में ग्रोस NPA कितना था, 9.9%। क्या आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा? देखो डिफरेंस तो है 1% का, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो हम नहीं कह सकते। इवन आप एक फॉरेन बैंक से मैच कर लीजिए SBI का NPA, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इस बैंक का NPA था 2018 में 11.7%, यानी कि SBI से भी ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए क्या बैंकों की ओनरशिप चेंज करने से समस्या का हल हो जाएगा? क्या प्राइवेट बैंक्स में NPA की समस्या नहीं है? आंकड़े तो कम से कम देखो यही कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो समस्या है वो प्राइवेट बैंकों में भी है और ओनरशिप चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बल्कि देखो SBI और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा लोन दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के इन 5 सेक्टर्स में, माइनिंग, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एविएशन। प्राइवेट बैंकों ने तो लोन दिया भी नहीं था इन सेक्टर्स में, फिर भी प्राइवेट बैंकों का इतना इतना NPA है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बराबर में, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो और भी ज़्यादा इनएफिशिएंट हुए। इसका मतलब ये है कि सरकारी बैंकों की ओनरशिप चेंज करना, उनको प्राइवेटाइज करना, ये तो एक सॉल्यूशन नहीं है बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। तो राइटर अपनी तरफ से 3 तरह के सॉल्यूशंस बताते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सबसे पहले इमीडिएट क्या एक्शन लेना होगा, जो भी नई सरकार बनती है उसको देखो हेयर कट करना होगा। हेयर कट का देखो सिंपल मतलब ये है, मान लीजिए SBI बैंक ने लोन दिया ABC कंपनी को स्टील प्लांट इस्टाब्लिश करने के लिए, कितने का लोन दिया गया,
मान लेते हैं 100 करोड़ का लोन दिया और एबीसी कंपनी ने बदले में अपना स्टील प्लांट गिरवी रख दिया, यानी एज ए कोलेटरल इस्तेमाल किया स्टील प्लांट को एसबीआई बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए, ताकि अगर लोन नहीं चुकाया जाता है एबीसी कंपनी के द्वारा, बैंक पैसा वसूल ले स्टील प्लांट को बेच के। लेकिन देखो, स्टील सेक्टर में क्राइसिस आ जाते हैं क्योंकि स्टील के दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, इस वजह से एबीसी कंपनी को स्टील प्लांट बंद करना पड़ता है और लोन जो लिया था एबीसी कंपनी ने एसबीआई बैंक से वो वापस नहीं चुका पाती है एबीसी कंपनी। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? देखो, एक स्टेप तो ये हो सकता है कि एसबीआई बैंक फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करे और एबीसी कंपनी को लेके जाए इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, मतलब लिटिगेशन फाइल करे एबीसी कंपनी के अगेंस्ट। दूसरा देखो, ये हो सकता है कि एबीसी कंपनी ने जो स्टील प्लांट गिरवी रखा था उस प्लांट को बेच के एसबीआई ने जितना लोन दिया था उसको वसूला जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि स्टील के दाम चूंकि काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, स्टील प्लांट को 100 करोड़ में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। एसबीआई कंपनी ने लोन कितना दिया था? 100 करोड़। लेकिन जो स्टील प्लांट गिरवी रखा था उसका रेट तो कम हो गया काफ़ी, वो अभी 60 करोड़ में बिक रहा है सिर्फ। तो हेयर कट का मतलब ये है कि एसबीआई 60 करोड़ में ही सेटल कर ले पूरे इशू को। एसबीआई सोचे कि भैया कोई बात नहीं, 100 करोड़ दिया था लेकिन अभी स्टील प्लांट को बेच के कम 60 करोड़ आ रहे हैं ना, वही बहुत है। 60 करोड़ का तो कम से कम हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे लोगों को लोन देने के लिए। तो 40 करोड़ का जो सेक्रीफाइस यहाँ पे एसबीआई कर रही है वो है हेयर कट। देखो बिल्कुल सिंपल है, 100 करोड़ का लोन दिया था लेकिन वापस नहीं चुका पाई कंपनी, जो चीज़ गिरवी रखी थी उसको बेच के सिर्फ पैसे प्राप्त हुए बैंक को 60 करोड़, नुकसान कितने का हुआ? 40 करोड़ का। उस नुकसान को एक्सेप्ट कर लिया बैंक ने कि ठीक है कम से कम कुछ पैसे तो प्राप्त हों, 40 करोड़ का नुकसान होता है तो हो। तो ये क्या हुआ, जो नुकसान एक्नोलेज कर लिया है, मान लिया है बैंक ने, वो है हेयर कट। आमतौर पे देखो बैंक ना हेयर कट करते नहीं हैं क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो पीछे पड़ जाती हैं, जैसे सीबीआई या फिर विजिलेंस, वो पीछे पड़ जाती हैं कि वो आरोप लगाती हैं बैंक अधिकारियों पे कि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तभी आपने हेयर कट किया है, तभी आपने बैंकों को इतना ज़्यादा नुकसान करवाया है। तो इसी वजह से बड़े बैंक अधिकारी जो हैं वो हमारे देश में हेयर कट बहुत कम करते हैं और इसी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक 6 मेंबर्स की कमेटी गठित की थी हेयर कट के सिलसिले में। आर्टिकल में सजेस्ट किया जाता है ये एक अच्छी शुरुआत है, बल्कि एक लीगल कोई काउंसिल भी गठित की जा सकती है स्टैचुरी एक्ट की सहायता से, ताकि हेयर कट को मोर यूजली यूज किया जाए, कम से कम जितना पैसा आता है उसे हासिल करने के लिए, ताकि बैंकों के पास पैसा हो और ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए दूसरी कंपनीज को और कॉरपोरेट ग्रुप्स को। अब बात करते हैं मीडियम टर्म सॉल्यूशन की। मीडियम टर्म सॉल्यूशन में तो देखो आरबीआई के पास और अच्छे मैकेनिज्म होने चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं बबल तो नहीं क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब कहीं अंधाधुंध लोन तो नहीं दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा, और जबकि नहीं देना चाहिए इतना ज़्यादा लोन। देखो राइटर इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई बबल ना जब बन रहा होता है तब उसे रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। जब एकदम बबल बन चुका होता है ना कि अरे ये तो गलती हो गई, बैंकों ने इतना ज़्यादा लोन दे दिया, देना चाहिए ना नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी तो उतनी तेज़ी से आगे ग्रो ही नहीं कर रही है, तो बाद में पता लगता है। लेकिन फिर भी आरबीआई की कोशिश यही होनी चाहिए जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के हिसाब से ही हो। ऐसा ना हो कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन बैंक फिर भी अंधाधुंध लोन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो देखो ये है, बैंकों की फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करना, बैंकों में रिफॉर्म लेके आना, गवर्नेंस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की खासकर उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बोर्ड्स हैं उनकी कार्यप्रणाली भी इंप्रूव होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड्स में और ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स को इंडक्ट किए जाने की आवश्यकता है। वैसे सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था ताकि बैंकों में मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट ढंग से हो और जल्द से जल्द हो बिना किसी डिले के। लेकिन देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन के बावजूद बैंकों में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का गठन अपॉइंटमेंट है वो एफिशिएंटली नहीं हो रही है और देरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एसेंस इस पूरे आर्टिकल का देखो यही निकलता है, जो भी नई सरकार बनती है उस सरकार को बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे, कुछ मीडियम टर्म एक्शंस लेने होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म एक्शंस लेने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
बैंक सेक्टर के क्राइसिस से संबंधित चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2015 में P5+1 एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच एक डील साइन हुई थी जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये तय हुआ था इस एग्रीमेंट में कि ईरान जो है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट को कम करेगा और अराक और दूसरी जगहों पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज चल रही हैं उन्हें बंद करेगा। बदले में ईरान को क्या फायदा होगा? ईरान को फायदा ये होगा, यूएसए समेत दूसरे कंट्रीज ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा के रखे हैं उन सैंक्शंस को हटाया जाएगा। सैंक्शंस को हटा लिया जाएगा तो ईरान की जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकेंगी, उनको रेवेन्यू प्राप्त हो सकेगा, ईरान की कंपनीज प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाएंगी तो ईरान में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये फायदा होगा ईरान को। तो ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। लेकिन देखो पिछले साल मई में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि भैया हम तो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं, हमें तो ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आया है। तो यूएसए इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया और पिछले साल नवंबर में यूएसए ने ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। 8 देशों को एग्जम्पशन दिया गया जिसमें इंडिया, टर्की, चाइना ये देश शामिल थे। 6 महीने के लिए एग्जम्पशन दिया गया था और ये 6 महीने का पीरियड अब खत्म हो चुका है। यूएसए ने इन 8 देशों को भी बोल दिया है कि ईरान के ऊपर जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं उन सैंक्शंस को आप भी मानिए, यानी ईरान के साथ ट्रेड करना बंद कीजिए। अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात यह है, P5+1 ने एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, तो P5+1 में यूएसए के अलावा जो दूसरे देश हैं जैसे यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी यहां पे वन है, ये देश नहीं चाहते ये एग्रीमेंट खत्म हो। आप कह सकते हो कि इन देशों की थोड़ी सहानुभूति है ईरान के साथ। इन देशों को यह लगता था कि ईरान तो एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, यूएसए को इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं आना चाहिए था। तो यूएसए ने जब सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर तो इन देशों ने थोड़ा भरोसा दिलाया ईरान को कि ईरान भाई तुम चिंता मत करो, यूएसए तो इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया है लेकिन हम यूएसए के सैंक्शंस को नहीं मानेंगे और आपके साथ हम व्यापार करते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ईरान ने भी सोचा कि ठीक है, अभी तक तो हम भी इसी एग्रीमेंट को मान रहे हैं, यानी यूरेनियम को हम इनरीच नहीं करेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए देखते हैं। तो ईरान ने कुछ समय के लिए तो देखा, लेकिन अब यूएसए ने 8 देशों को जो एग्जम्पशन दिया था उसे भी खत्म कर दिया। तो ईरान ने यह डिक्लेयर किया है कि भैया यूएसए इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया है तो हम भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करेंगे, हम अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से ओपन करेंगे, यूरेनियम को इनरीच करना हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल में यह कहा जाता है ईरान ने यह जो डिक्लेयर किया है इससे देखो यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं ईरान के। ये सारे देश जर्मनी, यूके, फ्रांस, इन देशों की थोड़ी बहुत जो सहानुभूति थी ईरान के साथ कि हाँ भाई ईरान ने तो एग्रीमेंट का पालन किया है ईमानदारी से, वो सहानुभूति खत्म हो जाएगी अगर ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो। लेकिन देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि यूएसए आखिरकार चाहता क्या है। यूएसए ने देखो 8 देशों को जो एग्जम्पशन दिया था उस एग्जम्पशन को भी अब खत्म करने का निर्णय लिया है। यूएसए ये चाहता है ईरान की जो कंपनीज जैसे मुबारका स्टील या फिर नेशनल ईरानियन कॉपर इंडस्ट्रीज कंपनी, ये कंपनीज दूसरे देशों के साथ काफ़ी ट्रेड करती हैं, अगर ये कंपनीज दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगी, एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी तो क्या होगा? ईरान के अंदर इन कंपनीज की जो फैक्ट्रीज हैं वो तो बंद हो जाएंगी, जो लोग काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ईरान की सरकार के पास रेवेन्यू कम होगा। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो देखो ईरान अपनी जो रीजनल हेगमनी इस्टाब्लिश करने के लिए पैसा खर्च करता है, जैसे येमेन में इंसर्जेंट्स को पैसा देता है ईरान, हिजबुल्ला को पैसा देता है ईरान, इसके अलावा पैलेस्टीन में जो हमास है उसको पैसा देने के आरोप लगते हैं ईरान पर, सीरिया में असद रजीम का समर्थन भी किया जाता है ईरान के द्वारा। अब देखो ये सारे ग्रुप्स जिनका समर्थन किया जाता है ईरान के द्वारा, ये सारे ग्रुप्स या तो डायरेक्टली यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं या फिर यूएसए के जो एलाय कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल इसराइल, सऊदी अरेबिया, इनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो यूएसए नहीं चाहता कि ईरान इस प्रकार से वेस्ट एशिया में विभिन्न ग्रुप्स का समर्थन करे।
तो कैसे रोका जा सकता है ईरान को? अगर देखो ईरान के पास पैसा होगा ही नहीं तो ईरान देगा क्या पैसा वेस्ट एशिया में डिफरेंट ग्रुप्स को? तो यूएसए चाहता है कि ईरान के रेवेन्यू को कैसे ना कैसे करके रोका जाए। ईरान के रेवेन्यू को कैसे रोका जा सकता है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के, और यही यूएसए फिलहाल कर रहा है। दूसरा, यूएसए ये चाहता है जब देखो ईरान की सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा, ईरान की कंपनीज दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगी, तो ऐसी सिचुएशन में जॉब्स बहुत सारी चली जाएंगी ईरान के अंदर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग जो हैं ईरान के वो परेशान हो जाएंगे, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे। और अभी जो आयतुल्ला खामेनी सुप्रीम लीडर हैं उनका रूल है ईरान के अंदर, वो रूल खत्म हो जाएगा। ये भी यूएसए का एक मकसद है। यूएसए और भी काफ़ी सारी चीज़ों की सहायता से ईरान की सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और बॉम्बर भेजे जाएंगे ईरान के पास, ताकि ईरान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन देखो ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, ईरान को आइसोलेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस को एक तो रसिया नहीं मानेगा, दूसरा टर्की भी नहीं मानेगा, टर्की और यूएसए के रिलेशंस अभी ख़राब हैं, चाइना यूएसए के सैंक्शंस को मानेगा इसकी उम्मीद भी कम ही है। तो मतलब ईरान को आइसोलेट करना आसान नहीं है, और ये उम्मीद करना कि यूएसए के प्रेशर में आके ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में विभिन्न ग्रुप्स का समर्थन करना छोड़ देगा, ये भी एज्यूम करना देखो गलत है, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस तो काफ़ी समय से लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, लेकिन फिर भी ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में विभिन्न ग्रुप्स का समर्थन करता रहता है जो यूएसए के और यूएसए के अलाय इंटरेस्ट कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन इसका एक रिजल्ट ये हो सकता है ईरान और ज़्यादा कोशिश करें कि यूएसए और यूएसए के जो अलाय कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाए वेस्ट एशिया में किसी ना किसी प्रकार से। अगर देखो ऐसा होता है तो टकराव की स्थिति और ज़्यादा पैदा होगी यूएसए और अलाय कंट्रीज के बीच और ईरान के बीच, और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो वायलेंट टर्न भी ले सकता है, जो ना सिर्फ इस पूरे वेस्ट एशिया रीजन के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है ईरान को अपने आगामी जो स्टेप्स हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी ईरान और यूएसए के बीच नियर फ्यूचर में, ऐसी उम्मीद कम ही है। 2020 में यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे और नया जो राष्ट्रपति बनेंगे यूएसए के, वही कोई नया स्टेप ले सकते हैं ईरान से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? देखो कोलिजियम में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इन 5 मेंबर्स के ग्रुप को कहा जाता है कोलिजियम। कोलिजियम तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसे जज अपॉइंट करना है। मान लीजिए 2 नाम को डिसाइड कर लिया कोलिजियम ने, उन नामों को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि वो नाम सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करने के लिए, तो प्रेसिडेंट एक बार तो फाइल लौटा सकते हैं वापस कोलिजियम के पास, ये कहते हुए कि आपने जो नाम भेजे हैं वो फिर से रिकंसिडर कीजिए। लेकिन कोलिजियम रिकंसिडर करने के बाद फिर से वही फाइल भेज देता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है, उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करना होगा। तो ये प्रोसीजर है जजेस की अपॉइंटमेंट का। लेकिन इस प्रोसीजर में देखो काफ़ी सारी कमियां हैं, आरोप लगते रहते हैं समय समय पर कि काफ़ी बार जजेस के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के नाम को रेकमेंड कर दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, और काफ़ी बार करप्शन के भी आरोप लगते हैं, डिटेल्स सामने नहीं आ पाती कि उसी जज के नाम को क्यों रेकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए। तो इन कमियों को दूर करने के लिए 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को गठित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हम मानते हैं जो सिस्टम अभी है जजेस को अपॉइंट करने का उस सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन नया सिस्टम जो आप लेके आए हो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उससे तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगी, इसलिए इसे हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि अभी वाला जो सिस्टम है कोलिजियम,
इसमें कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं, इसके लिए आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें दीजिए। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वीटो हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि इस जज को अपॉइंट करने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो हमारी चलनी चाहिए इस इशू पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं माना था और कहा था ऐसे तो आप अपनी मर्जी से काम करने लगोगे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, किसी भी जज के नाम को ब्लॉक कर दोगे। तो सहमति नहीं बन पाई थी सुप्रीम कोर्ट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कोलिजियम सिस्टम में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए इस इशू पर। और फाइनली क्या हुआ, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे कोई सहमति बनी या फिर नहीं बनी? देखो कुछ नहीं हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म लाने की जो बात थी वो सिर्फ बात ही रह गई, उसका कुछ नहीं हुआ। और अभी हाल ही में क्या हुआ, कोलिजियम के द्वारा दो नामों को रेकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने फाइल लौटा दी और कहा कि आप रिकंसिडर कीजिए। कोलिजियम ने फिर से रिकंसिडर किया और कहा कि जिन जजों के नाम को हमने रेकमेंड किया है उनका कंडक्ट सही है, वो कॉम्पिटेंट है, उनकी इंटीग्रिटी भी ठीक है, इसलिए हम फाइल को फिर से आपके पास भेज रहे हैं। तो अब देखो प्रेसिडेंट के पास तो कोई चारा है नहीं, प्रेसिडेंट को उन्हीं जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट करना होगा। आर्टिकल में कहा जाता है, पिछले काफी समय से ये बहुत देखने को मिला है कि प्रेसिडेंट फाइल को फिर से भेज देते हैं कोलिजियम के पास रिकंसिडरेशन के लिए, इससे प्रोसेस डिले हो जाती है। तो आवश्यकता ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए था उसको फिर से रिवाइव किया जाए और कोलिजियम सिस्टम में बदलाव लाया जाए ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में हो और डिले भी ना हो। काफ़ी बार देखा जाता है कि डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, आज हमने तीन इश्यूज़ को डिस्कस किया, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने ईरान से संबंधित इशू को डिस्कस किया और तीसरे नंबर पे जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।